वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, फुफकार थी, हुकार थी, शत्रु का संहार थी। हम जब भी भारत की आजादी के नायकों की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह सहित तमाम नाम सामने आते हैं, लेकिन महिला क्रांतिकारियों का नाम बहुत ही कम सामने आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की आजादी के लिए सभी क्रांतिकारियों का योगदान बेमिसाल है, लेकिन ये भी सच है कि महिला क्रांतिकारियों को भारत की आजादी के लिए दो मोर्चा पर लड़ना पड़ा था। दरअसल महान वीरांगनाओं को आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए समाज की अनगिनत बेड़ियों को पहले तोड़ना पड़ा था। इसका कारण है कि उस समय महिलाओं पर कई तरह के सामाजिक प्रतिबंध होते थे। इसके बावजूद कुछ महिला वीरांगनाओं ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। तो चलिए, आज के स्पेशल सीरीज में हम देश की एक ऐसी वीरांगना के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में भूमिका निभाई है। बेगम हजरत महल एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों को आजादी की पहली लड़ाई में अवध से खदेड़ दिया था। उनका जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। बेगम हजरत महल ने परीखाना संगीत स्कूल में संगीत की शिक्षा ली थी। उनके पिता अंबर अफ्रीकी गुलाम थे। बेगम हजरत महल की खूबसूरती और कला को देखकर वाजिद अली शान ने उनसे निकाह कर लिया था। 1845 में बेगम हजरत महल ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम बिरजीज कद्र था। वहीं 1850 में अंग्रेजों ने जब अवध पर कब्जा कर लिया था तब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे, उनको भागने पर मजबूर कर दिया था। नवाब वाजिद अली शाह ने अवध छोड़कर जाने से पहले बेगम हजरत महल को तलाक दे दिया था और कोलकाता चले गए थे। ऐसे में बेगम हजरत महल ने अपने पति के अपमान का बदला लेने के लिए 1857 की क्रांति का आगाज किया था। इस क्रांति में उन्होंने सभी अंग्रेजों को रेजिडेंसी में करीब 3 महीने तक क्रांतिकारियों के साथ मिलकर घेर रखा था। इस दौरान अंग्रेजों और बेगम के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। 3 महीने तक रेजिडेंसी में ही सभी अंग्रेज छिपे रहे थे। अंग्रेजों की सेना के प्रमुख हेनरी लॉरेंस को भी उन्होंने मार गिराया था। 3 महीने तक घेराबंदी के बाद रेजिडेंसी पर जीत बेगम हजरत महल और क्रांतिकारियों ने कर ली थी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे बिरजेस कद्र को अवध का नया शासक घोषित कर दिया था। हालांकि उनके बेटे नाबालिग थे तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी उन पर ही थी। 1 साल बाद अंग्रेजों ने फिर से अवध पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था और इस बार बेगम हजरत महल केसरबाग को बचाने में असफल हो गई थी। उन्होंने केसरबाग से निकलकर मूसा बाग को अपना नया ठिकाना बनाया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहीं से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार वो समझ गई थी कि जीतना मुश्किल है क्योंकि उनके कई सैनिक मार डाले गए थे। ऐसे में वो अपने सैनिकों के साथ नेपाल चली गई थी और वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि उन्होंने कई बार भारत आने की बात कही, लेकिन अंग्रेजों ने आने नहीं दिया। अंग्रेजों ने बेगम को पेंशन देने की बात कही थी तो उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद बेगम हजरत महल ने नेपाल में अपनी अंतिम सांस ली और नेपाल में उनको दफना दिया गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।